अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कहां 1.5 साल तक एक परिवार सोता रहा एक लाश के साथ। जब हुआ खुलासा तो उड़ गए सबके होश। दिखाएंगे कि कैसे सदन में विधायक साहब खा रहे हैं तंबाकू और खेल रहे हैं मोबाइल में 3 पत्ती। दिखाएंगे कि कैसे टेबल के नीचे से रिश्वत लेकर अधिकारी साहब कर रहे हैं अपनी जेब गरम। अजब गजब खबरों के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए हैरान कर देने वाली खबर के साथ। दरअसल यहां इनकम टैक्स अधिकारी के शव को परिवार ने 1.5 साल तक न सिर्फ घर में रखा बल्कि पूरा परिवार उसके साथ सो भी रहा था। परिवार ने लोगों को बताया था कि आयकर अधिकारी कोमा में है। हालांकि सच्चाई ये है कि अस्पताल ने 1.5 साल पहले ही उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली हड़कंप मच गया। घर में 1.5 साल से शव होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि शव को मम्मी की तरह बनाकर कपड़ों में कसकर लपेट कर रखा गया था। जानकारी के मुताबिक रोशन नगर निवासी विमलेश कुमार इनकम टैक्स में कार्यरत थे। उन्हें अप्रैल 2021 में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी उनके परिवार वालों को दे दिया गया था। शव को घर लाने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। इस दौरान अचानक परिजनों ने ये कहकर अंतिम संस्कार स्थगित कर दिया कि मृतक को होश आ गया है। बहरहाल सवाल अभी ये बना हुआ है कि आखिर विमलेश की मौत कब हुई। 1.5 साल तक बॉडी को क्या किसी केमिकल के सहारे रखा गया। परिवार ने ऐसा आखिर किया तो किया क्यों? क्या वेतन वजह थी या विमलेश से प्यार? गजब में अगली खबर विधायक साहब से जुड़ी है। ये महोबा सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक राकेश गोस्वामी है। सदन की कार्यवाही चल रही है और विधायक जी फोन में गेम खेलने में बिजी हैं। फोन को ध्यान से देखेंगे तो ये गेम 3 पत्ती है। अब सदन में चाहे जो हो जाए, कोई भी बोल रहा हो, कोई भी मुद्दा चल रहा हो, विधायक जी का पूरा फोकस इस 3 पत्ती गेम पर है। अब चुनाव जीतकर सदन में तो पहुंच गए तो सदन तो चलता रहेगा, गेम जीतना बहुत जरूरी है। शायद इसी में विधायक जी की पूरी ताकत जो लगी है। लेकिन बात सिर्फ एक विधायक की नहीं है, एक बीजेपी विधायक तो इनसे भी आगे है। अब इनसे मिलिए। ये झांसी सदर सीट से बीजेपी विधायक रवि शर्मा है। सदन की कार्यवाही के दौरान तंबाकू खा रहे हैं। अब जनता के मुद्दों का क्या है देखा जाएगा। विधायक जी का मूड सेट रहना चाहिए, तभी तो देखिए ना, ना आओ देखा ना ताओ, मसाला निकाला और ले दबा लिया मुंह में। विधायक जी को थोड़ी खांसी भी आ जाती है। वैसे विधायक साहब के ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। गजब में अगली खबर उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी से आ रही है। दरअसल यहाँ ARTO दफ्तर में वरिष्ठ सहायक बाबू एक शख्स से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो सस्पेंड होने के बाद भी दफ्तर में बैठकर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों को रिलीज कराने के नाम पर अवैध वसूली करते थे। ARTO तारकेश्वर मल के मुताबिक वीडियो में दिखाई पड़ रहा शख्स उनके दफ्तर में काम करने वाला राजकुमार गौतम है, जो पहले हुई जांच के दौरान सस्पेंड चल रहे हैं। दफ्तर में रुपए लेने के सवाल पर उन्होंने वीडियो की क्रेडिबिलिटी की जांच के आदेश दिए हैं। ARTO दफ्तर में तैनात वरिष्ठ सहायक बाबू राजकुमार गौतम का रुपए लेने का वीडियो 1-9 सितंबर का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा वीडियो जिसमें वो नीली कलर की टी शर्ट पहने हैं वो 18 अगस्त का बताया जा रहा है। दफ्तर में रुपए लेने का 2 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं।